नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एटी मनी वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और बजट के बाद हम एक एक करके आपकी जेब से जुड़े, आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से जुड़े और आपने जो अपने लिए टैक्स व्यवस्था अपना रखी है उससे जुड़े तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। इसको लेकर बारीकी से हम पड़ताल कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। और आज भी एक खास शो लेकर आए हैं जहाँ पर न सिर्फ आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की जाएगी की बल्कि टैक्स से जुड़े आपके तमाम सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। बजट पेश होने के बाद आज हम लगा रहे हैं टैक्स की पाठशाला। अपने गेस्ट पैनल से हम बात करेंगे और समझेंगे कि आपकी जेब पर टैक्स की कैंची किस तरह से चलेगी, आपकी आमदनी पर कितना टैक्स लगेगा, ये सब जानेंगे आज शो में। आगे दर्शकों के सवाल लेंगे, जहां नए टैक्स सिस्टम से जुड़े सवाल भेजे हैं दर्शकों ने। नए टैक्स सिस्टम में आखिर क्या है खास, नए टैक्स सिस्टम में पुराने के मुकाबले क्या बदलाव हुए हैं, अगर आप 10, 12 या 30 लाख रुपए सालाना कमाई करते हैं तो आपको कितना टैक्स देना होगा। चलिए तो अपने सवाल भी आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपने सवाल आप हमें 9619873567 पर भेजें और हम कराएंगे आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग। चलिए तो जैसे मैंने आपको कहा शो की शुरुआत में कि आज हम फोकस करेंगे सीधा दर्शकों के सवालों पर, क्योंकि सोशल मीडिया हो या हमारा व्हाट्सएप नंबर हो, सभी जगह हमें नई टैक्स व्यवस्था और इससे जुड़े बदलाव और क्या पुरानी टैक्स व्यवस्था से बदलकर आपको नए टैक्स सिस्टम में आ जाना चाहिए, उसको लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। साथ ही आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो तो आप सवाल हमसे पूछते ही रहते हैं। एक एक करके हम सबके जवाब लेंगे। और हमारे साथ हमारा पैनल भी जुड़ गया है, तरुण गर्ग डायरेक्टर डेलॉयट इंडिया, हर्षवर्धन रुमटा सीएफपी रुमटा सिक्योरिटीज, आदित्य शाह चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जीएसटी इन्वेस्टमेंट। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और वैसे शो की शुरुआत आमतौर पर एक मुद्दे के साथ होती है जहाँ पर हम एक टॉपिक लेते हैं और उस पर समझाइश देते हैं दर्शकों को, लेकिन आज चलिए शो की शुरुआत हम करते हैं सीधा सवालों के साथ। और क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं तो मुझे समय बिल्कुल भी नहीं गंवाना है और जितना हो सके दर्शकों के सवालों के जवाब देने हैं। देखिए, जयदीप का सवाल मैं लूंगी जिन्होंने हमें सवाल भेजा है। और नया टैक्स स्लैब क्या है, नई टैक्स व्यवस्था के मुताबिक जो बजट में नए टैक्स स्लैब अनाउंस किए गए हैं वो क्या है, ये इनका सवाल है। तो चलिए मैं सीधा तरुण के पास आऊंगी इस सवाल को लेकर। तरुण, जयदीप जानना चाहते हैं कि नए टैक्स स्लैब क्या है। जयदीप, नए टैक्स स्लैब जो खासकर मैं अब नई रिजीम की बात करूं, जो नई रिजीम जो जिसमें बदलाव किया गया है उसको अगर देखें तो नई रिजीम में जीरो शून्य से लेके 3 लाख तक की जो सैलरी है उस पे आपका 0% है, 3 से 6 लाख तक पे 5% है, 6 से 9 लाख पर 10%, 9 से 12 लाख पे 15%, 12 से 15 लाख पर 20%, और 15 लाख से अगर आपकी आय ऊपर है इसके तो सीधा 30% का टैक्स लगता है। इसपे 4% का आपको वो एजुकेशन सेस भी लगता है और सरचार्ज तो वैसे भी पता ही है सबको, जैसे 50 लाख से ऊपर की आमदनी होने पर फिर वो 10% का सरचार्ज है, और 1 करोड़ से ऊपर की आमदनी पर आपका 15% का सरचार्ज है, 2 करोड़ से ऊपर की अगर आपकी आय है तो उसके ऊपर 25% का सरचार्ज है। हालांकि वित्त मंत्री ने क्या किया है कि 5 करोड़, पहले ये था 5 करोड़ से ऊपर की आय पर आपका सरचार्ज जो था 37% था, तो वो नई रिजीम में फिर भी 25% कर दिया। तो कुल मिलाकर इस रिजीम में 25% का ही सरचार्ज है। तो ये है बेसिकली। अब एक चीज जो विशेषकर आपको जाननी चाहिए इस नई टैक्स व्यवस्था के बारे में, नई रिजीम के बारे में, अगर आपकी आमदनी, अगर आपकी टोटल आय जो है वो 7 लाख तक ही है तो उसमें आप इस रिजीम का चयन कर सकते हैं और 7 लाख तक की आय पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है।
और राइट, चलिए तो जयदीप का ये सवाल जिसका जवाब दिया और नई टैक्स लैब हमने ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप जवाब नहीं सुन पाए तो स्क्रीन पर देखकर आप टैक्स लैब्स की जानकारी ले सकते हैं। लेकिन देवधर साहब का एक सवाल मैं लेना चाहूँगी जो मेरे ख्याल से एक बार फिर से तरुण मैं आप ही को पूछूँगी। FY 2023-24 के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई टैक्स व्यवस्था में किस तरह से अब उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है, ये इनका सवाल है। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है देवधर जी ने। देखिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए हालांकि स्लैब में बहुत फर्क नहीं है, बट एक जो चीज मैं बताना चाहूंगा कि पुरानी रिजीम में तो देखिए वही था कि 60 साल से ऊपर जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके ऊपर तो 3 लाख तक की आमदनी पर वैसे भी कोई नहीं लगता था, और अति वरिष्ठ जो नागरिक हैं हमारे तो उन पर 5 लाख तक की आय पर वैसे ही छूट थी, मतलब उनको कोई भी टैक्स का नहीं देनदारी थी चाहे उनकी 5 लाख से ऊपर तो। पर अगर हम नई इस व्यवस्था में भी देखें तो उसी चीज को इन्होंने कंटिन्यू किया है, तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी सिमिलर सिचुएशन है। ओके, अगला सवाल मैं लेना चाहूँगी राहुल का, और राहुल ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर इनकी सालाना आय 10 लाख रुपए है तो आखिर इन्हें कितना टैक्स देना होगा। तो आदित्य, कि इनकी आय है तो सबसे पहले इनको ये डिसाइड करना होगा कि टैक्स सेविंग प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं नहीं पिछले टैक्स रिजीम में। दूसरी बात, कोई डिडक्शन जो डिडक्शन है वो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, होम लोन्स की होम लोन है इनके पास कि नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर 2 लाख का डिडक्शन मिलता है पिछले रिजीम के अंदर। तो यहाँ पे मैं इक्वलाइजर बता देता हूँ कि अगर आप पिछले रिजीम में 3 लाख के आसपास तक की सेविंग कर रहे थे डिडक्शन के थ्रू, तो आपको 3 लाख या ज्यादा की सेविंग कर रहे थे आप पुराने टैक्स लैब में, तो आपको पुराने टैक्स रिजीम में जाना चाहिए। अगर आप नए टैक्स रिजीम में जाते हैं तो आपका टैक्स हायर होगा अगर 4 लाख की डिडक्शन लेते हैं तो। पुराने टैक्स स्लैब में 50,000 के आसपास आपका टैक्स आएगा और नए स्लैब के अंदर 75,000 के आसपास आएगा। यदि आप 4 लाख के बिलो की डिडक्शन लेते हैं तो आपको नई टैक्स रिजीम में मूव कर जाना चाहिए, क्योंकि नई टैक्स रिजीम में आपके आपका नियरली अबाउट 5,000 के आसपास का सेविंग होगा। इन डिडक्शन का मतलब ये है आपका HRA नए रिजीम में अलाउड नहीं है, आपका ATC अलाउड नहीं है, आपका NPS भी अलाउड नहीं है, और होम लोन के ऊपर 2 लाख का जो मैक्सिमम लिमिट होता है वो अलाउड नहीं है। तो ये सारा गेम अप बन गया है कि आप कितने डिडक्शन देते हैं। अगर आपके बहुत सारे डिडक्शन है तो आपको आपको पुराने रिजीम में ही रहना चाहिए। अगर आपके डिडक्शन बहुत कम है तो आपको नए रिजीम में आप अगर नए रिजीम में मूव करेंगे तो आपके लिए फायदा रहेगा। ऑलराइट, तरुण यहाँ पर मुझे आपसे ये समझना है क्योंकि इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा भी चल रही है, बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं और सोशल मीडिया पर भी ये बात बहुत गर्म है कि अगर आपकी जो आय है सालाना 7 लाख से कम है या 7 लाख तक है तब तो बिल्कुल आंख बंद करके आपको नई टैक्स व्यवस्था में शामिल हो जाना चाहिए, और अगर आप 30 लाख तक की कमाते आपकी जो आय है अगर उस पर आपको 30% टैक्स लगता है, अगर आप हाईएस्ट टैक्स लैब में हैं तो आप अपने रिडक्शंस देखिए और उसके मुताबिक आप फैसला लें कि आप नई टैक्स व्यवस्था में आना चाहेंगे या पुरानी में ही रहना चाहेंगे। हालांकि उसमें भी बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि अगर आप नई टैक्स व्यवस्था में आते हैं तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। इसको जनरलाइज करना कितना ठीक है, और आप इन दोनों सिनेरियोज़ में क्या कहेंगे? देखिए मैं इसमें यही कहूँगा कि एक ब्रेक इवन का एनालिसिस करना चाहिए जनता को। तो जो हम टैक्स एक्सपर्ट्स ने किया है, एक ब्रेक इवन ये है कि 4,25,000 का ब्रेक इवन आता है। अगर आपकी आमदनी 15,50,000 से ऊपर है तो एक 4,25,000 का ब्रॉड एक ब्रेक इवन आता है। तो उसका मतलब ये है, सरल भाषा में अगर मैं समझाने की चेष्टा करूं तो इसमें होता क्या है कि देखिए जो आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन है, सैलरीड क्लास है, आप नौकरी पेशा अगर आप वो है एम्प्लॉई है नौकरी पेशा एम्प्लॉई है तो उसके केस में 50,000 की तो छूट स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको पुरानी रिजीम में भी मिलेगी, नई रिजीम में भी मिलेगी। उसके अलावा अगर आप 3,75,000 तक की एडिशनल सेविंग्स करते हैं या डिडक्शन लेते हैं तो उसके केस में आपका
ब्रेक इवन आ जाता है। इसका मतलब ये है कि आपकी ओल्ड रिजीम या फिर नई रिजीम जो भी आप चुनेगा तो आपको एक ब्रॉड ब्रॉड सेम का ही मतलब बेनिफिट आएगा। तो इसका मतलब ये 4,25,000 तक आपकी अगर ज्यादा और आपने सेविंग दी, जैसे एचआरए में बहुत सारे लोग अभी भी एचआरए का लेते हैं, हाउसिंग लोन है और इसके अलावा प्रोविडेंट फंड का कॉन्ट्रीब्यूशंस है, इवन नई पेंशन स्कीम जो है न्यू पेंशन स्कीम में भी काफी लोग 50,000 की डिडक्शन लेते हैं। तो इसके केसेस में अगर आपकी 4,25,000 से ऊपर है तो पुरानी रिजीम में ही रुकने का ज्यादा बेनिफिट है, ज्यादा फायदा होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ दर्शक फोन लाइन पर भी हमारे साथ हैं। और चलिए, आदित्य गुप्ता मेरे साथ फोन लाइन पर हैं गाजियाबाद से। आदित्य गुप्ता नमस्कार, कैसे हैं आप? आदित्य गुप्ता, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, इनको शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, बोलिए, आपका सवाल हम शो पे ले रहे हैं। आदित्य, चलिए, यहाँ पर बात नहीं हो पा रही है। इनका सवाल हर्ष आपके पास है। 20 साल में इनको चाहिए 6 करोड़ रुपए, और इन्होंने अपनी कुछ डिटेल्स भी दे रखी है, जहाँ पर घर खरीदने और रिटायरमेंट के लिए इन्हें 2.5 करोड़ रुपए चाहिए, बच्चों की पढ़ाई शादी के लिए लगभग 1.5 करोड़ चाहिए, और 25,000 की ये SIP हर महीने कर सकते हैं 20 साल तक। फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है 10 लाख, 25 लाख की एक LIC की पॉलिसी भी है। सालाना इनकी 10 लाख है, और लगभग 1.75 करोड़ का इन्होंने टर्म इंश्योरेंस भी अपने लिए लिया हुआ है। आदित्य को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। आदित्य, एक बार फिर से हम इनको फ़ोन लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे इनके पोर्टफोलियो को लेकर कुछ और सवाल इनसे पूछने थे। बहरहाल, जब तक फ़ोन लाइन पे आए तब तक हर्ष बताएं कहाँ से शुरुआत करेंगे इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग की। देखिए कविता, एक तो अच्छी चीज़ है इनके इनके सवाल में, वो ये है कि इन्होंने अपने सारे लक्ष्यों को आइडेंटिफाई किया है और क्वांटिफाई भी किया है। तो इन्होंने कहा कि मुझे इतने साल बाद मुझे किस पर्पस के लिए कितने रुपए चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा एक स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसमें आपको पता है किस डायरेक्शन में जा रहे हैं अपने फाइनेंशियल प्लान को लेके। अब जहां तक इनके कॉर्पस के रिक्वायरमेंट की बात है, तो ये हर महीने का 25,000 रुपए करीबन जमा कर सकते हैं, और 22 सालों में इन्हें जो कॉर्पस इकट्ठा करना है वो है 6 करोड़ का। तो ये जो टारगेट है ये थोड़ा अग्रेसिव है। अगर हम सीधा अनुमान लगाएं कि कितना अगर इन्हें रिटर्न मिले तो ये कॉर्पस इकट्ठा हो सकता है, तो करीबन 16% आसपास का अगर इन्हें रिटर्न मिलेगा पूरे 22 साल के ऊपर, तब जाके ये 6 करोड़ होगा, जो थोड़ा एम्बिशियस है। और यू नो आई डोंट थिंक उन्हें इतना एम्बिशियस टारगेट लेके चलना चाहिए या एक्सपेक्ट करना चाहिए। जो हम एक नॉर्मल रेंज अगर इक्विटीज की अज्यूम करते हैं, तो करीबन 4 करोड़ आसपास इनका इकट्ठा होना चाहिए आफ्टर 22 ईयर्स। तो और इन्होंने अपने सवाल में ये भी कहा है कि ये एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है और पोर्टफोलियो भी उस तरह से अग्रेसिव बनाना चाहते हैं ताकि हायर रिटर्न की पोटेंशियल बनती हो। तो फेयर इनफ, इनके लिए अगर हम पोर्टफोलियो बना के दें इस 25,000 रुपए का, तो इस तरह से इन तीन स्कीम में ये डिवाइड करके पैसे लगा सकते हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में 10,000 रुपए, निपॉन इंडिया मल्टी कैप में 10,000, और टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटी फंड में 5,000। तो ऐसे ये 25,000 इन्वेस्ट करना शुरू करें, और जैसे जैसे इनकी इनकम बढ़ती जाएगी इन्हें अपने अपने पोर्टफोलियो में और स्कीम जोड़ के अमाउंट बढ़ाना होगा ताकि इनका 6 करोड़ का जो टारगेट है पूरा हो। स्कीम का रिव्यू जो इन्हें करना है वो वंस इन 2 ईयर्स करेंगे तो आई मीन सफिशियंट है। हर हर 6 महीने में 1 साल में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये SIP के जरिए कर रहे हैं। तो थोड़ा वक्त अपने फंड को देंगे ताकि वो उसका रिटर्न एक्चुअली समझ सके कि हो क्या रहा है। हर्ष, मुझे यहाँ पर आदित्य के बिहाफ पे एक सवाल पूछना है। आप एक बार बता पाएंगे इनको कितने की SIP करनी होगी? फिलहाल तो 25,000 रुपए तक का ये बात कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा इनका कॉर्पस और इतने अच्छे तरीके से इन्होंने पूरा प्लान किया है अपना, तो कितने तक की SIP राशि बढ़ानी पड़ेगी? अगर हम ये कैलकुलेट करें कि 25,000 रुपए जो ये हर महीने के कर रहे हैं, और ये अगर 12-15% की रेंज में, अगर 12-14 या 15% की रेंज में अगर रिटर्न देता है, तो करीबन 4 करोड़ आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर इन्हें 6 करोड़ चाहिए तो यही अमाउंट पे इन्हें करीबन 16-17% जनरेट करना होगा, जो बहुत अग्रेसिव है जो मैं बात कह रहा हूँ। अब आपका जो सवाल था कि ये एग्जैक्टली कितना करेंगे तो इन्हें 6 करोड़ मिले एट अगर मैं 14% का भी लॉन्ग टर्म रिटर्न एवरेज अज्यूम करूं, तो इन्हें हर महीने का अमाउंट बता देता हूं मैं आपको।
इन्हें हर महीने की एस आई पी करीबन 35,000 रुपीज की करनी होगी, तब जाके इनका जो कॉर्पस है वो अगर 14% रिटर्न अस्यूम करते हैं तब जाके इन्हें 6 करोड़ का होगा। तो 10,000 रुपए इन्हें एस आई पी तुरंत में और बढ़ानी होगी, या तो आगे आगे जाते हुए जैसे इनकी आमदनी बढ़ती है तो अपनी एस आई पी भी बढ़ाते रहे। चलिए आदित्य को ये सलाह दी जा रही है। मेरे अगले दर्शक मुकेश देशमुख मेरे साथ फोन लाइन पर है, मैं उनके पास जाऊं। उससे पहले तरुण से जल्दी से एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि तरुण बहुत दर्शक हमसे जो खासतौर से एनपीएस में निवेश करते हैं ना, वो पूछ रहे हैं कि क्या नए टैक्स रेजिम में एनपीएस की छूट का फायदा मिलेगा क्या। देखिए, नई टैक्स व्यवस्था में एनपीएस अगर आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो तो आपको मिल जाती है छूट। उसका उसकी धारा भी मैं बताना चाहूंगा, ATCCD 2 है, तो वो तो आपको छूट मिल जाएगी नई नई टैक्स व्यवस्था में। पर उसका ज्यादा बेनिफिट इसलिए भी नहीं है क्योंकि पहले वो आपकी इनकम में जुड़ती है। तो सेक्शन 17 को अगर हम बारीकी से देखें तो धारा 17 आयकर की, उसमें लिखा हुआ है 17(1) में कि अगर आप आपका एम्प्लॉयर, अगर आपका नियोक्ता उसमें एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करता है तो पहले वो आपकी इनकम जुड़ेगी। और वो कितना कंट्रीब्यूशन लगभग कर सकता है, तो प्राइवेट कंपनीज के 10% तक का अलाउड होता है बेसिक सैलरी का। तो ओवरऑल 10% पहले आपकी इनकम में जुड़ेगा और फिर ATCCD में वो आपको छूट मिलती है। तो नई टैक्स व्यवस्था में आपको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की तो छूट मिल जाएगी, लेकिन अगर आप खुद से ATCCD 1B में जो 50,000 की छूट है वो हालांकि नहीं मिलेगी। यहाँ पर क्लियरली स्टैंडर्ड डिडक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है, और अगर हम राहत के तौर पर देखें तो केवल इसी की राहत मिल रही है, बाकी आपको जो राहतें दी जाती हैं पुरानी टैक्स व्यवस्था के मुताबिक वो नए टैक्स व्यवस्था में फिलहाल नहीं है। आदित्य के लिए मैं सवाल लेना चाहती हूँ। मुकेश देशमुख साहब पुणे से फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। मुकेश जी नमस्कार, कैसे हैं सर? जी बढ़िया, आप बताइए कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। क्या करते हो मुकेश? मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। ओह लवली, ग्राफिक डिजाइनर हो, तो हमारे ग्राफिक्स कैसे लगे शो के, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं? जी जी अच्छे अच्छे, काफी अच्छे शो फॉलो करता हूं मैं आपका। चलिए अच्छा लगा ये सुनकर। आदित्य शाह है हमारे एक्सपर्ट जो आपके सवाल पर जवाब देंगे। तो ये बताइए, 1 करोड़ का लक्ष्य है आपका 10 साल में, ठीक है? एक्सिस ब्लू चिप, पराग पारे का फ्लेक्सी कैप और मेरा एसेट का लार्ज कैप, ये तीनों स्कीम्स है। 15,000 की आप कर रहे हैं SIP, है ना, और अब आप इसको 10,000 से बढ़ाना भी चाहते हैं, और 50 लाख का आपने टर्म प्लान लिया हुआ है। NPS में आप करते हैं 50,000 का निवेश पिछले 5 साल से। ऑल राइट, तो आपने काफ़ी बेहतर तरीके से अपने गोल्स को लाइनअप किया हुआ है। इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं कि मैं सीधा आदित्य सवाल पूछ लूँ? जी नहीं, ये ठीक है। मैं बस ये जानना चाहता था कि ये मैंने जो लिए हैं म्यूचुअल फंड, ये ठीक है चेंज करना है या और भी मुझे निवेश करना पड़ेगा, वो सब बता दें। बिल्कुल बताते हैं क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से कुछ और फंड्स को ऐड करने की गुंजाइश तो है, लेकिन आदित्य आपको बताएंगे। आदित्य, जैसे कि इन्वेस्टर का लक्ष्य है 1 करोड़ रुपए 10 साल के अंदर, अगर मैं 10 से 12% का रिटर्न अज्यूम करूं जो कि एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है इन्वेस्टर को, तो इन्वेस्टर को 45,000 रुपए की SIP करनी होगी 10 साल में। इन्वेस्टर अभी 15,000 की SIP कर रहे हैं और वो 10,000 रुपए से स्टेप अप करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर निवेशक के पास इतनी सेविंग्स नहीं है तो निवेशक को धीरे धीरे करके अपनी सेविंग्स को बढ़ाना होगा या फिर अपने लक्ष्य का टाइम होराइजन लंबा करना होगा, क्योंकि इस रिटर्न के साथ वो अपने लक्ष्य की तरफ नहीं रीच कर पाए। पहली बात। दूसरी बात, इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के अंदर लार्ज कैप एक्टिव फंड्स है। हमने देखा है कि लार्ज कैप एक्टिव फंड्स में अंडर परफॉर्मेंस 90% फंड्स का रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 से 7 साल भी, तो लार्ज कैप एक्टिव फंड में जाने की जरूरत नहीं है, लार्ज कैप पैसिव फंड में जाने की जरूरत है। तो 3 फंड में मैं उनको स्प्लिट कर रहा हूँ। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड जो उनके पास ऑलरेडी है, UTI निफ्टी इंडेक्स फंड, क्योंकि लार्ज कैप फंड में उनके पास एक्टिव फंड है तो उसको स्विच करवा के पैसिव फंड की तरफ लेके जा रहे हैं, और एक और तीसरा फंड मैं जोड़ रहा हूँ, UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड। तो एक्टिव और पैसिव फंड की स्ट्रेटेजी मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे, ताकि दोनों साइड में इन्वेस्टर बराबर तरीके से निवेश कर पाए, अपने जो भी SIP अमाउंट है इनमें इक्वली स्प्लिट कर दे, और एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स जो उनके पास दो हैं
उसमें से धीरे धीरे आके इन दोनों इन तीनों फंड्स में एसआईपी को लगा दें। कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन वे में आप इन्वेस्ट करते रहेंगे तो शायद आप अपने ग्रोथ की तरफ रीच कर पाए, पर आपको अपनी एसआईपी को बिल्कुल धीरे धीरे करके बढ़ाना होगा अगर आपको 1 करोड़ चाहिए 10 साल। मुकेश जी, क्या आपने सलाह सुनी? आपको कुछ और सवाल पूछना है आदित्य से? अगर मैं 45,000 तक रीच करता हूं तो और कौन सी म्यूचुअल फंड आप सजेस्ट कर सकते हैं? इस साल टारगेट कर सकता हूं 45,000 को रीच करने का। ओके, तो आदित्य, क्या इनको और फंड्स ऐड करने पड़ेंगे फिर? नहीं, जरूरत नहीं है। अगर इन तीन फंड्स में ही वो अपने एसआईपी को ऑन रखेंगे, अपनी एसआईपी को स्प्लिट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। एक और फंड अगर चाहे तो ऐड कर सकते हैं, कोटक का नैसडैक फंड, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपोजर देगा यूएस को। अदरवाइज ये तीन फंड और एक कोटक नैसडैक फंड इनफ है 45,000 रुपए की एसआईपी के लिए। पर कॉन्सेंट्रेट ये कीजिए कि कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन वे में एसआईपी करना, जो कि सबसे ज्यादा मुश्किल बात है। अच्छा, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड आपने इनको रेकमेंड किया है, ये तीनों ही फंड आपने इनको रेकमेंड किए हैं या इनमें से दो में से किसी में निवेश करना है, और क्या दो काफी होंगे? मैं पराग पाले फ्लेक्सी कैप फंड उनके पास ऑलरेडी है तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूटीआई निफ्टी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड इसलिए मैंने दिया है क्योंकि उनके पास लार्ज कैप पैसिव फंड है, इसको लार्ज कैप पैसिव फंड में मैंने स्विच करवाने की कोशिश की है। और एक और पैसिव फंड लेकर आया हूँ जो कि है यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड, जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है। तो दो पैसिव और दो एक्टिव फंड कोटक नैसडैक और पराग पारे फ्लेक्सी कैप फंड में मैंने यहाँ पे ऐड करवाने की कोशिश की। चलिए मुकेश, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए। आगे बढ़ेंगे और तरुण के लिए सवाल है सुशांत का, और सभी दर्शक तरुण दरअसल एक ही तरह के सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कुल मिला के सवाल का मतलब वही है, सबने बस अलग अलग भाषा में घुमाकर पूछा है लैंग्वेज में, कौन सा टैक्स लैब अच्छा है, नया या पुराना? ये सुशांत का सवाल है। अगला सवाल बता देती हूँ क्योंकि वो भी सिमिलर ही है, तो ये तो सुशांत का आप जवाब देंगे। और प्रियेश का भी ये सवाल है कि नए टैक्स लैब से आखिर किस तरह का बदलाव आएगा? देखिए, मैं दर्शकों का इंटरेस्ट को समझ सकता हूँ कि अब वित्त मंत्री ने अपनी तरफ से काफी कोशिश की है कि सैलरीड क्लास, नौकरी पेशा लोग कौन से टैक्स स्लैब को या कौन सी रिजीम को स्पेसिफिकली चुने। तो मेरा देखो यही मानना है कि मैं इस बात से परे हूँ कि भाई कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, ये एक करदाता को ही चुनना है कि उसको किस रिजीम में किस में जाना है। अगर तो देखो ब्रॉड हमने पहले भी डिस्कस किया कि 4,25,000 का एक हमारा एक ब्रेक इवन कह लीजिए वो आता है, 15,50,000 की अगर आपकी आय है या उससे अधिक आय है, तो 15,50,000 से अधिक आय है और आपको लगता है कि आप 4,25,000 की आप इन्वेस्टमेंट सेविंग्स आप कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको पुरानी ही रिजीम में रुकने का फायदा है। और अगर आपको लगता है कि भाई मेरे पास, मैं इस डॉक्यूमेंट की झंझट में नहीं पढ़ना चाहता, मेरे लिए कर या फिर टैक्स मेरा ड्राइवर नहीं है इन्वेस्ट करने का, मैं अपनी मर्जी से इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मेरा मानना यही है कि आप नई रिजीम में जा सकते हैं। तो नई रिजीम के भी अपने फायदे हैं। और एक जो चीज मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो बारीकियां अगर आप उस सेक्शन में पढ़ें, धारा में पढ़ें आयकर की, तो उसमें ये भी है कि आपको अब आपकी डिफॉल्ट रिजीम ही नई रिजीम बना दी गई है। इसका इसका अभिप्राय ये है कि अगर आपने अपनी रिटर्न टाइम से फाइल नहीं की तो आपको अब पुरानी रिजीम का फायदा नहीं मिलेगा। तो ये एक एक चेंज है, एक बारीकी है जो जो कि फाइन प्रिंट्स में जब हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं उसमें लिखा हुआ है। तो आप दर्शकों को ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि उनको अपनी जो रिटर्न है अब से टाइम पे फाइल करनी होगी अगर उनको पुराने रिजीम का बेनिफिट लेना है। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर कुछ निवेश के विकल्पों पर भी बात हुई है और मेरे ख्याल से हर्ष आपसे जानना होगा मुझे, बहुत सारे लोग ना महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट को कंफ्यूज कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना के साथ। सुकन्या समृद्धि योजना का फायदा बहुत सारे लोग उठा रहे हैं, अब उनको लगता है कि उसी में ही आगे चलकर आपको
लाख रुपए और 2 साल के लिए डालने की अनुमति मिल गई है। थोड़ा सा हमें महिला सम्मान सेवा सर्टिफिकेट सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में बताइए कि क्लियरली विमेन ओरिएंटेड स्कीम है और 7.5% का आपको जो ब्याज मिल रहा है वो किस तरह से मिल रहा है, 2 साल में एक बार मिलेगा या एनुअली मिल रहा है, कहाँ कहाँ जाकर हम ये सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं, जानकारी दें थोड़ा सा। कविता देखिए, जो महिला सम्मान पत्र सेविंग स्कीम है इसमें आप 2 लाख रुपए, एक ऑब्वियसली महिला सम्मान जो नाम है उसके हिसाब से सिर्फ वुमेन और गर्ल्स ही इसमें इन्वेस्ट कर सकती हैं, और 2 लाख की जो लिमिट है इसमें वो आप और ये डिपॉजिट 2 साल का है जिससे आपको 7.5% इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये जो स्कीम है ये स्मॉल सेविंग्स के थ्रू आने वाली है, सो ये आपको आपके पोस्ट ऑफिस वगैरह में आपको जाके इसका डिपॉजिट करना है। अब इसका अगर आप मुझसे पूछें कि इसमें अलग क्या है, कि अगर ये अब एक बात तो क्लियर है कि ये सुकन्या समृद्धि के साथ में नहीं है, वो स्कीम अलग है टोटली, और वो एक्चुअली गर्ल चाइल्ड के लिए है और जो लंबी अवधि का है, वो करीबन 15-17 साल के लिए होगी। सो द क्वेश्चन इज कि ये डिपॉजिट आपको किस तरीके से देखना है। अगर आप ये देखते हैं कि भाई मुझे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक ऑफर दिया जा रहा है कि जिसमें मुझे ब्याज दर ज्यादा है, जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 8% का ब्याज है, इस डिपॉजिट में 7.5% जो आपको आज की तारीख में और कहीं भी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि आपको मिलेगी नहीं। सो मेरी नजर में इसमें क्या यूनिक है ये तो अभी आगे जाते हुए ही पता चलेगा। इनफैक्ट मैं होप कर रहा था कि अगर आप ऐसी कोई स्पेसिफिक महिला रिलेटेड, अगर वुमेन रिलेटेड कोई स्कीम डिपॉजिट लाते हैं, 2 लाख की लिमिट रखी है आपने, तो क्यों ना इसमें एक ऐसा वेरिएशन होता जो पता नहीं अभी आगे जाते हुए क्लैरिटी आएगी या कोई डिटेल्स आएंगी तो पता चलेगा कि ये जो जो घरेलू महिलाएं होती, जो होम मेकर्स होती हैं, उनकी जो बचत करते हैं, वो जो घर खर्च में से थोड़ी बचत करके कैश में उनके जो जमा हो जाता है, क्या ये वैसी स्कीम है जो आपको वो कहती है कि आप जाके उसे डिपॉजिट करके उससे आप 7.5% ब्याज कमा सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछी जाएगी, आप क्या आपको कोई पैन कार्ड या ऐसा कोई डिटेल्स देना नहीं होगा, क्या ये वैसी स्कीम है? अगर वैसी है तो ही इसमें कोई अलग बात है, अदरवाइज इट्स अ रेगुलर डिपॉजिट। अगर आप देखें तो 7.5% का आपको ब्याज मिलेगा, महिला ही कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 7.5% आपको कहीं और आज की तारीख में मिल नहीं रहा है। सो आई डोंट नो कि इसका एक्चुअल पर्पस क्या है, अनलेस इसकी और बारीकियां एकदम क्लैरिटी से आएंगी कि भाई इनमें डिपॉजिट करने का यूनिकनेस क्या है। मुझे तो कुछ भी एट दिस मोमेंट ऐसे कुछ यूनिक फीचर नहीं लगा, अनलेस कि जैसे मैंने कहा कि ये जो घरेलू महिलाएं जो बचाती अपने पैसे, अगर वो कैश जमा करके कमा सकती हैं विदाउट एनी क्वेश्चन आज, तभी इसमें कुछ यूनिकनेस है, बाकी अदरवाइज जस्ट रेगुलर डिपॉजिट। यहाँ पर मुझे तरुण से पूछना है कि जो कमाई होने वाली है, आपने 2 साल पैसे इसमें पार्क इन कर लिए, 7.5% का आपने एनुअली ब्याज भी कमा लिया, तो मेरी कमाई पर क्या टैक्स लगेगा? अगर हम देखें तो ये टैक्सेबल है। अभी इसमें जो क्लैरिफिकेशन है, वैसे तो फाइन प्रिंट्स में ज्यादा वो बताएंगे कि ये ईईटी स्कीम है या ट्रिपल ई स्कीम है, बट जो ब्रॉडली जो लग रहा है तो ये मतलब इसमें भी जो ब्याज है वो टैक्सेबल ही लग रहा है। तरुण, यहाँ पर हम और भी कुछ टैक्स के पहलुओं पर बात करना चाहते हैं। वैसे जितने भी सवाल हमारे पास है वो नई टैक्स व्यवस्था को लेकर है, लेकिन मैं चर्चा का धारा बढ़ाना चाहती हूँ क्योंकि लोगों की जेब से जुड़े टैक्स को लेकर ऐसे बहुत सारे अहम ऐलान भी हुए हैं, और यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर जो ऐलान हुआ है उसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि इसको आप थोड़ा सा हमको समझाएं, क्योंकि 5 लाख से ज़्यादा का आपका प्रीमियम होगा वो किस तरह की पॉलिसीज़ का होगा, केवल एक ही पॉलिसी का होगा, अगर किसी शख्स के पास 3-4 पॉलिसीज़ हैं तो क्या होगा और किस तरह से वो टैक्सेबल होंगी प्रोसीड्स, जरा इसको आसान भाषा में हमें समझा दें। जी देखिए, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंज वित्त मंत्री ने किया है। अभी तक क्या होता था कि 10 लाख तक की जो आपकी टोटल, अगर एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्त वर्ष में अगर आपने 10 लाख तक की पॉलिसी ली है, प्रीमियम्स लिए पे दे रहे हैं, तो उस पे कोई टैक्स नहीं था, लेकिन अब इसको दायरे को कम कर दिया, 5 लाख कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि 5 लाख एग्रीगेट है। तो आप अगर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 4 पॉलिसी ले लें और वो 4-4 लाख या 5-5 लाख की है, तो टोटल वो एग्रीगेट अमाउंट है। तो अगर आपने प्रीमियम्स इन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज या इसमें इस तरीके की जो काफी SBIs की हैं या फिर बहुत सारे इनमें पॉलिसीज देते हैं, तो अगर आपका 5 लाख तक का ही एग्रीगेट प्रीमियम है तो उसी पे ही मतलब ये 10-10D में आपको वो छूट मिलेगी।
अब इसमें एक जो प्रश्न ये आता है कि अगर ये फिर इसका टैक्स कैसे होगा, कि अगर किसी ने जैसे ज्यादा अगर इन्वेस्ट किया तो इसका टैक्स अदर सोर्सेज में क्लैरिफाई किया गया है। एक और इन्होंने सेक्शन को थोड़ा ऐड किया है, तो उसमें ये कहा गया है कि अगर रिडम्पशन के टाइम पे अगर आपको 1010D में जो एग्जेम्पशन है वो 5 लाख तक का ही प्रीमियम का मिलेगा, तो अगर आपका ज्यादा आपने दिया है तो वो दायरा बढ़ा दिया गया है। तो इससे अभिप्राय यही है कि ब्रॉडली आपका 56(2) जो एक और सेक्शन इन्होंने दिया, 56(2) आई थिंक 12 है, या 12 है ये सेक्शन, तो उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा और अदर सोर्सेस की इनकम बन जाएगी। और कितना बनेगा, तो जितना आपने एक्यूमुलेशन है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि वो आप अपने ऑलरेडी टैक्स सैलरी से आप उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट तो टैक्स नहीं होगा, बट उसमें जो बोनसेस हैं या एक्यूमुलेशन हुआ है, क्योंकि मेच्योरिटी के टाइम पे ज्यादातर ये पॉलिसीज जितना आपने पैसा लगाया उससे ज्यादा ही देती हैं, तो उसी की बात हो रही है। या फिर अगर आपने डिडक्शन प्रीमियम का ले लिया है तो उस प्रीमियम को भी उन्होंने उसमें टैक्स किया है। थोड़ा सा पेचीदा है मेरे ख्याल से ये मामला, इसको आगे और बेहतर तरीके से हम समझेंगे। लेकिन आदित्य के लिए हमसे अब सवाल पूछना चाहते हैं गणेश, ये भी पुणे से सवाल हमें पूछ रहे हैं। क्या बात है, आज दर्शक पुणे से बहुत सवाल पूछ रहे हैं। गणेश जी नमस्कार, क्या हाल चाल? हाँ नमस्कार मैडम। मैडम मैंने आप 4 फंड ले लिए हैं जी। एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 5,000 का निवेश है, डीएसपी स्मॉल कैप में 7,000 का निवेश है, और डीएसपी मिड कैप में 7,000 और फ्लेक्सी कैप में 7,000 डीएसपी में। तो ऐसे 4 फंड ले लिए हैं मैंने 15 साल के लिए, तो 2 करोड़ का मुझे मेरा टारगेट है, तो कितने साल तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या फिर मतलब लॉन्ग टर्म के लिए? चलिए सवाल भेजा आपने, धन्यवाद इसके लिए, लेकिन मुझे आपसे ये जानना है तीनों आपने डीएसपी के शामिल किए हैं कोई खास वजह? डीएसपी का मतलब पहला मैंने जो स्मॉल कैप फंड लिया था, तो उसमें जो फंड मैनेजर मुझे अच्छे लगे थे, इसके बाद अच्छा। मैंने बाकी के भी 2 ले लिए, ऐसा हो गया। अच्छा तो आप फंड मैनेजर्स को भी ट्रैक करते हैं, न सिर्फ फंड के रिटर्न को? चलिए अच्छा लगा। और उनका परफॉर्म फंड का जो परफॉर्मेंस जो रहता है उसका पास्ट का परफॉर्मेंस 5 इयर्स का, तो वो ट्रैक करके उसको मैंने बाय किया है, वो फंड ले लिया। तो आप बीते 3 साल से निवेश कर रहे हैं, लेकिन आपने पोर्टफोलियो तो बहुत एग्रेसिव बना रखा है। देखिए आपने मिड कैप और स्मॉल कैप की 2 स्कीम ली हैं, बाद में आपने एक फ्लेक्सी कैप भी लिया हुआ है, तो आप इतने अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो काफ़ी हाई है, ये पता चल रहा है मुझे। हाँ आप रिस्क अच्छा खासा ले सकते हैं। क्या क्या आप रिस्क क्या ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है वो थोड़ा सा अग्रेसिव है। अच्छा हाँ, थोड़ा मतलब मैंने लॉन्ग टर्म के लिए बनाया है, 15-20 साल के लिए। चलिए तो आदित्य लॉन्ग टर्म के लिए इतना अग्रेसिव पोर्टफोलियो, शायद इनको पता है कि जो इनकी जोखिम है वो थोड़ी सी मिटिगेट हो जाएगी, रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी जैसे एसेट क्लास में निवेश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फंड्स के चुनाव में शायद थोड़ी सी तब्दीली की जा सकती है। देखिए 15 साल का समय है, 2 करोड़ और ये निवेश भी अच्छा खासा कर रहे हैं, कैसे इसको और बेहतर तरीके से हम डाइवर्सिफाई करें ताकि इनको इनकी जो राशि ये निवेश कर रहे हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो? सबसे पहली बात तो इन्वेस्टर का गोल 2 करोड़ है 15 साल के अंदर, तो अगर हम 10-12% रिटर्न अज्यूम करें तो इन्वेस्टर को 40,000 रुपए की SIP करनी होगी। अभी इन्वेस्टर वो SIP नहीं कर पा रहे हैं, तो या तो SIP को स्टेप अप कीजिए धीरे धीरे, या फिर अपने गोल्स को थोड़ा सा आगे ले जाइए, 15 की जगह अगर 20 साल करेंगे तो शायद इसी अमाउंट में आपको आराम से अपने गोल की तरफ आप रीच कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी फंड हाउस के सारे फंड्स को नहीं खरीदना चाहिए, जैसे कि आपने सही से पॉइंट आउट किया, हमने देखा है पिछले दिनों में एक फंड हाउस में कुछ प्रॉब्लम आई थी तो सारी स्कीम पे इफेक्ट आ जाता है, तो डाइवर्सिफाई अमाउंट ऑफ फंड हाउसेस भी करना बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान रखिए। तीसरी बात, मैंने अक्सर देखा है ये कि इन्वेस्टर स्मॉल कैप फंड को सिर्फ इसीलिए चेज करते हैं कि पिछले 4-5 साल में स्मॉल कैप रिटर्न का सबसे स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न सबसे हाईएस्ट रहा है, तो वो रिस्क को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ रिटर्न देखते रहते हैं, ये गलत बात है, आपको रिस्क भी देखने चाहिए। 2018-19-20 में स्मॉल कैप फंड्स के अंदर बिल्कुल राउट हो गया था और कई निवेशकों ने मार्केट ही पूरा छोड़ दिया,
तो डाइवर्सिफाई कीजिए, स्मॉल कैप फंड्स भी लीजिए पर डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपके लिए कुछ चार फंड्स चुने हैं, डीएसपी स्मॉल कैप फंड, पराग परेख टैक्सी कैप फंड, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड और कोटक नैसडैक फंड। ये एक्टिव पैसिव स्मॉल कैप फंड और यूएस फंड, इसमें सारे ही तरीके के निवेश जो है वो आपके पास आ गए हैं। इन चारों फंड्स में आप अपनी एसआईपी को इक्वली स्प्लिट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ स्मॉल और मिड कैप के पीछे मत भागिए, क्योंकि जब रिस्क आएगा तो ये सबसे ज्यादा टूटेंगे, इसलिए रिस्क मैनेज करना बहुत जरूरी है। इन चार फंड में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट वे में आप एसआईपी को इन्वेस्ट कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। गणेश जी, कोई सवाल आपने पूछना है आदित्य को? नहीं, थैंक यू मैडम, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और इसी नोट पे हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार तरुण, हर्ष, आदित्य हमारे साथ बने हुए हैं जो टैक्स और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवालों के जवाब दे रहे हैं। मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और इस शो पर आज हम आपको बता रहे हैं कि आपके लिए कौन सी टैक्स व्यवस्था सही है, और साथ ही आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से जुड़े सवालों के जवाब हमारे पैनलिस्टों के साथ ले रहे हैं। तरुण गर्ग, हर्षवर्धन रुंगटा, आदित्य शाह हमारे साथ बने हुए हैं। जल्दी से एक सवाल मैं लेना चाहती हूँ सुहास भवसर का, और उसके बाद तरुण के पास जाएंगे और टैक्स से जुड़े सवाल लेंगे। तो सुहास ने ये सवाल हमें भेजा है, हर्ष, और मिड कैप फंड में दरअसल इनको निवेश करना है। इनके पोर्टफोलियो में फिलहाल जो फंड्स हैं मैं नाम बता देती हूँ, हालांकि वो डिटेल्स आपके पास भी हैं। HDFC इंडेक्स निफ्टी 50 है, मिरा एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप है, पराग पारे का फ्लेक्सी कैप है, SBI का स्मॉल कैप है। कितना निवेश कर रहे हैं उसकी जानकारी हमें नहीं दी है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि 15 साल तक ये SIP कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली इन्होंने कहा है कि इन्हें मिड कैप फंड में एक SIP की शुरुआत करनी है। हर्ष, तो कविता, अगर हम इनके पोर्टफोलियो को देखें तो इनमें डेफिनेटली एक स्कोप है कि जहां पे आप एक इंडेक्स फंड जोड़ सकते हैं, क्योंकि राधा मिड कैप, और इन्होंने ये भी कहा है कि इन्हें एक मिड कैप में इंडेक्स फंड चाहिए। सो आई थिंक मोस्ट सर्टनली इनके पास एक प्रोविजन है जिसमें ये ऑप्शन है जिसमें ये जोड़ सकते हैं। सो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, ये एक ऑप्शन है जो ये अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। तो इनका जो मिड कैप का जो वैक्यूम है वो पूरा हो जाएगा। मुझे सिर्फ एक बात पे ना थोड़ा ऑब्जर्वेशन है और मैं इनको हाईलाइट करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि क्योंकि मार्केट गिर रहा है अभी, तब मैं मिड कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। सो वेल, अगर आप SIP का रूट ले रहे हैं तो आप डेफिनेटली मार्केट को टाइमिंग मत करिए। अगर आपने SIP मार्केट गिर रहा है इसी के लिए SIP शुरू कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट बढ़ने लगा तो आप SIP बंद कर देंगे। सो ये नहीं होने वाला, राइट? सो मोस्ट एसेंशियली अगर आप 15 साल के लिए कर रहे हैं, मार्केट का कोई भी लेवल रहने दीजिए, उससे आप मत चिंता करिएगा। आप अपनी SIP कंटिन्यू करिए, क्योंकि वही उसका मकसद है। SIP का मकसद ही ये है कि इरिस्पेक्टिव मार्केट लेवल आप अपनी SIP कंटिन्यू करते हैं और मार्केट के हर स्तर पे आप इन्वेस्ट करते रहे, ताकि लॉन्ग टर्म में आपका एवरेज होगा। सो स्कीम मैंने बता दी, मिड कैप एक फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं, इंडेक्स चाहिए था, मैंने इंडेक्स फंड का नाम बता दिया। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। और तरुण, आपके लिए सवाल है छत्तीसगढ़ से नेहा का, और ये पूछना चाह रही है कि क्या नए टैक्स लैब में स्टैंडर्ड डिडक्शन सभी के लिए है? इनकी आय अगर 7.5 लाख रुपए है तो टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगी, और क्या पुराने टैक्स लैब को खत्म कर दिया जाएगा? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है नेहा जी ने। तो अगर मैं नई टैक्स व्यवस्था की बात करूं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें जोड़ दी गई है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की अगर मैं धारा की बात करूं तो 16 में कवर्ड है, 16 क्लॉज 1A में कवर्ड है। तो अब इसमें क्या किया गया है कि नई टैक्स व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन को जोड़ दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी आय अगर 7.5 लाख है, आमदनी अगर आपकी सैलरीड क्लास है, नौकरी पेशा है, यार आपकी 7.5 लाख है, तो आपको 50,000 की तो वैसे ही स्टैंडर्ड डिडक्शन में मिल जाएगा, जिसका मतलब यही हुआ कि आप 7 लाख पे आ गए। और 7 लाख पे अगर आपकी आमदनी है, टैक्सेबल इनकम 7 लाख है, तो वैसे भी आपको फिर कोई भी टैक्स नहीं देना, बिकॉज 87A का आपको रिलीफ मिल जाएगा, और जिसके कारण आपका 0 टैक्स आएगा बेसिकली। तरुण, जल्दी से एक और सवाल कुणाल का, अगर इनकी आय 30 लाख रुपए है तो इनको कितना टैक्स देना होगा, जानना चाहते हैं आपसे।
लाख की आमदनी पे वैसे तो कैलकुलेट थोड़ा करना पड़ेगा, बट मोटा मोटी अगर मैं कहूँ तो आपको ये देखना होगा कि आप कौन सी रेजीम में जाना चाहते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी दर्शकों को यही बताया था कि अगर 4,25,000 से एक ब्रेक इवन हम निकालते हैं, अगर आपने उससे ज्यादा की आपकी इन्वेस्टमेंट है या डिडक्शन आप ले रहे हैं, तो आपको ब्रॉडली आपको पुरानी ही टैक्स व्यवस्था में बने रहना है। अगर आप नई रिजीम में जाते हैं तो आपको फिर थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा अगर आपकी 4,25,000 से ज्यादा की सेविंग्स है। तो ब्रॉडली आपको यही देखना है, बिकॉज 15 लाख से ऊपर की जो आमदनी है तो वैसे भी नई रिजीम में भी 30% का आपको टैक्स लगेगा, और पुरानी व्यवस्था में तो वैसे भी 10 लाख से ऊपर की आमदनी पे 30% का टैक्स है। तो ब्रॉडली आपको थोड़ा सा उसी हिसाब से अपना एक बार देखना पड़ेगा। अनीश का सवाल है तरुण आपके लिए, ये बोल रहे हैं कि 9 लाख पर 45,000 का टैक्स, 10 लाख पर 62,000 का टैक्स क्यों, प्रति लाख कितनी टैक्स लायबिलिटी बनेगी? देखिए 9 लाख पे मैं समझ रहा हूँ, देखिए नई टैक्स व्यवस्था में जो मोटा मोटी हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि 0 से 3 की स्लैब में तो 0 टैक्स है, तो 3 से 6 की में आपका 5% है, तो मतलब 15,000 का गैप है, 15,000, फिर वो 30,000 आता है, फिर तो 45 है, और फिर वो 60 है। तो इस टाइप से आपका ब्रॉडली टैक्स का आता है व्यवस्था बनती है। तो मतलब 0 से 3 पे तो 0 टैक्स हुआ, 3 से 6 लाख की आमदनी पे आपको 5% की दर से देना है, तो इसका मतलब 3 लाख पे अगर मैं 5% का कंप्यूटेशन करूं तो 15,000 आता है, तो 15,000, फिर अगले 3 लाख पे आपको 30,000 बन जाएगा, और फिर उससे अगले अगले 3 लाख पे आपको बन जाएगा 60,000 का टैक्स। तो इसी दरों से आपको निकालने पड़े। एक सवाल आपसे लेंगे, उसके बाद आदित्य से सवाल पूछना चाहेंगे। आनंद का एक सवाल है तरुण, 12 से 15 लाख के ब्रैकेट में वो हैं, 1.5 लाख का कुल निवेश करते हैं, कोई होम लोन नहीं है, कितना टैक्स देना पड़ेगा? देखिए 12 से 15 लाख की अगर आपकी आय है और आपको ब्रॉडली 1.5 लाख का ही है, तो मैं तो फिर आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप नई रिजीम में जाएं, क्योंकि ब्रॉडली हालांकि 15,50,000 से ऊपर में मैंने 4,25,000 का एक ब्रेक इवन बताया था, पर इस आय दर में करीब करीब आपको 2 या 2.5 लाख की तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर आपको पुरानी रिजीम में रहना है। तो ब्रॉडली 12 लाख की आमदनी पे, देखिए मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, बट फिर भी मैं अगर आपको ब्रॉडली बताऊं तो 12 लाख की आमदनी पे करीब करीब आपको नई रिजीम में लगभग 15 और 30, 45 और करीब 45 प्लस 60, मतलब करीब इतना ही 1 लाख तक का आपका टैक्स बनना चाहिए मेरी नजर में, बट हालांकि थोड़ा सा कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। चलिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मुझे और भी सवाल लेने थे लेकिन मेरा समय ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से, लेकिन तरुण आपका, हर्षवर्धन आपका, आदित्य आपका, तीनों का धन्यवाद करना चाहते हैं, समय निकाला और दर्शकों की तमाम दिक्कतों और सवालों के आप लोगों ने जवाब दिए। हम